लोकसभा चुनाव की मतगणना में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में नागपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों द्वारा एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया गया है कि मतदान केंद्र पर की वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। 35 दिन बाद यह जानकारी सामने आई है कि इस केंद्र पर वोटों को क्लियर किए बिना ही मॉक पोल वोट लिए गए। इंडिया अलायंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार विधायक विकास ठाकरे ने मांग की है कि इस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराया जाना चाहिए। ठाकरे ने नागरिकों को लोकतंत्र द्वारा दिए गए वोट के अधिकार से वंचित करने वाले चुनाव अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। मतदान दिवस पर नियमानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रातः 5:30 बजे मॉक पोलिंग यानी मॉडल पोलिंग कराई जाती है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट पर क्लोज रिजल्ट CRC क्लियर कर वास्तविक वोटिंग शुरू होती है, परंतु प्राप्त मतदान केंद्र क्रमांक के अनुसार 233 दादाजी धुनी वाली म्युनिसिपल हायर प्राइमरी स्कूल रविनगर में मॉक पोलिंग क्लियर किए बिना ही मतदान कराया गया। इस मतदान केंद्र पर कुल 865 वोट पड़े हैं। 87 फॉर्म से पता चलता है कि उनमें से 315 ने मतदान किया है। इस मॉक पोल में भी यह समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोगों ने कितना वोट किया। अपन पहले से की रविनगर च्या एका बूथवर जे मॉक पोलिंग होते आणि ते डिलीट न करताच मतदान झालं असं निदर्शनास आलं आणि त्याची तक्रार आम्ही निवडणूक आयोगाकडे टाकून ठेवली आहे आणि आमची मागणी आहे की इथे मतदान पुन्हा घ्यावं, परंतु नियमाप्रमाणे जर तेवढ्या मताच्या फरकाने उमेदवार पडत असेल तर ती गरज भासणार आहे आणि मला वाटते की तेवढ्या मतापेक्षा जास्ती मताधिक्याने उमेदवार विजयी होणार आहे। तर एक प्रिकॉशन म्हणून आणि ज्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाचे आलं नाही, मग अनेक बूथवर तर नाही झालं ना 2200 पैकी, हा सुद्धा संशय निर्माण झालेला आहे। आता मतमोजणी आहे, या मतमोजणीमध्ये अशाच पद्धतीनं मग इकडली मतं तिकडे, तिकडली मतं इकडे होत असतील का, अशा अनेक शंका या निमित्तानं निर्माण झाल्या आहे आणि उमेदवार म्हणून याची तक्रार करणं मला जरुरी होतं आणि ती तक्रार मी केलेली आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।